उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन ने मेरठ में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा वानिया शेख की मौत के मामले में पुलिस सर्किल ऑफिसर को तलब कर सारी जानकारी मांगी है। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली वानिया शेख ने 19 अक्टूबर को कॉलेज की ही लाइब्रेरी की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। उसे सुभारती मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के आईसीयू में ही नाजुक हालत में भर्ती कराया गया, जहां उसने 21 अक्टूबर को दम तोड़ दिया। वानिया की रीढ़ की हड्डी और सिर में गंभीर चोट आई थी। आरोप है कि वानिया ने अपने क्लासमेट सिद्धांत कुमार पवार के उत्पीड़न से तंग आकर ऐसा कदम उठाया। बताया जाता है कि वानिया के विरोध करने पर सिद्धांत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया था। मूल रूप से हरिद्वार के शिवालिक नगर में रहने वाले सिद्धांत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन ने पुलिस से जानकारी मांगी है कि आरोपी के खिलाफ किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अब तक उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। वानिया के पिता असद शेख मेरठ के रशीद नगर इलाके में रहते हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वानिया ने मेरठ के सेंट मैरिज से ही स्कूली पढ़ाई की थी। तीन परिवारों की इकलौती बेटी वानिया का जब बीडीएस में सिलेक्शन हुआ था तो घर में सभी लोग बहुत खुश हुए थे। वानिया भी डेंटल सर्जन बनकर समाज की सेवा करना चाहती थी। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।